पिछले 6 दिन से यहाँ पानी की पाइप टूटी हुई है और यहाँ नहर जैसा हालत हो गई है, लेकिन यूईडी डिपार्टमेंट, ना ही पीएचई डिपार्टमेंट और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसे ठीक करने के लिए कोई काम किया गया। जेई आते हैं पीएचई के, देखते हैं चले जाते हैं, यूईडी वाले आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, दोनों की दीवार मुर्दाबाद, यूईडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। गौर नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे लोगों में काफी ज्यादा रोष है और आप देखिए किस तरह से कितना ज्यादा पानी जो है यहाँ पर बह रहा है। लोग अपने घरों में पानी आने के लिए ये इस तरह एक किस्म की आर्टिफिशियल लेक बन चुकी है। देखिए ये देखिए यूईडी स्टेशन होश में आओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। जैसे कल आपने देखा था, हमने एक माई टोन माई प्राइड का जो ओरिजिनल वर्जन कल शुरू किया था आपने, उसमें हमने एक सेल्फी पॉइंट आपको दिखाया था, तो हमें लगा कि हम हफ्ते के बाद एक दूसरी जगह का करेंगे, लेकिन हमें जो हम उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उधमपुर की जो अपना यूईडी डिपार्टमेंट है पीएचई डिपार्टमेंट है, ये सौभाग्य दूसरे दिन ही दे दिया। यूईडी डिपार्टमेंट द्वारा मेन बाजार में एक खड्डा खोदे जाते हैं सिविलेज प्रोजेक्ट के नाम पे, पिछले 6 दिन से यहाँ पानी की पाइप टूटी हुई है और यहाँ नहर जैसा हालत हो गई है, लेकिन यूईडी डिपार्टमेंट, ना ही पीएचई डिपार्टमेंट और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसे ठीक करने के लिए कोई काम किया गया। जेई आते हैं पीएचई के, देखते हैं चले जाते हैं, यूईडी वाले आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, दोनों एक दूसरे के सर पे ठीकरा बोलते हैं, लेकिन लोगों की समस्या का निवारण कौन करेगा ये कोई नहीं बताता। दुकानदार व्यापारी वर्ग इतना परेशान हो चुका है, जाम की इतनी समस्या हो चुकी है इधर इसके कारण, लेकिन कोई अतापता ही नहीं कि इसका इसको ठीक करने कौन आएगा। लोगों को पीने का पानी नहीं है, लेकिन देखिए कितनी हैवी लीकेज यहाँ पे इनकी कारण हो गई है, लेकिन फिर भी प्रशासन सोया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन सोई है, तो इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना इसे नहर का नाम देकर माई टाउन माई प्राइड के नाम से जो ओरिजिनल वर्जन कर दिया था, हमने आज एक यहाँ नहर का उद्घाटन किया है। हम लोगों से अपील करते हैं भाई यहाँ आए, यहाँ पे नहाएं, किश्तियाँ चलाएं, बच्चों का मनोरंजन होगा इससे।